विजयपुर चिमचिमा हनुमान मंदिर से चोरी, वन मंत्री रामनिवास रावत ने चुराए थे गहने। खबर श्योपुर के विजयपुर अनुभाग क्षेत्र से है, जहां विजयपुर से 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित क्षेत्र के प्रसिद्ध स्थान चिमचिमा हनुमान मंदिर पर मूर्ति के आभूषणों की चोरी हो गई है। जब रामनिवास रावत विधायक थे तब चिमचिमा हनुमान मंदिर पर चुराए थे आभूषण। जानकारी के अनुसार 5 किलो 500 ग्राम के आभूषणों की चोरी हुई है, जिनकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। मंदिर से चोरी पर श्रद्धालुओं में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है, चूंकि प्रसिद्ध मंदिर होने के साथ साथ प्रदेश के वन मंत्री के गृह क्षेत्र में घटित हुई यह वारदात इस घटना को और भी हाई प्रोफाइल बना रही है। मौके पर विजयपुर पुलिस पहुंची है, जांच में जुट गई है। हर एंगल पर पुलिस अधिकारी जांच कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस कब तक इस चोरी की घटना का खुलासा कर पाएंगे। देखिए संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। चांदी का बैंगन लगभग 5.5 किलो था और रात को 11:30 बजे चोला चढ़ाने वाले श्री राघवेंद्र डिगर्रा चोला चढ़ा के गए। उसके बाद सुबह 5:30-6 के आसपास पुजारी जी ने जब पट खोले तब उनको श्रृंगार उतरा हुआ मिला है। पूरा मिली थी यहाँ पे चिमचिमा मंदिर पे हनुमान जी के गहने जो धारण किए हुए थे, वो जब पंडित जी ने देखा जब सुबह पूजा के लिए, तो वो गहने नहीं थे उनके शरीर पर। बाद में जब सूचित किया तो हम लोग यहाँ आए हुए हैं और जांच पड़ताल कर रहे हैं। सर आभूषणों की कीमत क्या होगी? सर अब इनसे चर्चा करेंगे कितना वजन का है और क्या कीमत है। यहाँ जो पदस्थ थे सर, क्या उनका वो थे यहाँ पर, नहीं थे, क्या स्थिति उनके बारे में? अब अभी हमने बात करी है तो उन्होंने अपनी उपस्थिति बताई है यहाँ पर, और थे कि नहीं थे वो जाँच करेंगे। वैसे अभी बताया है कि यहाँ पर उपस्थित थे।